सो डियर स्टूडेंट, इन द नाइन्थ क्वेश्चन, फाइव स्क्वायर फ्लावर्ड पैड्स ईच ऑफ साइड 1 meter आर डग ऑन द पीस ऑफ लैंड 5 meter लॉन्ग एंड 4 meter वाइड। इट मीन्स ये फाइव क्या है, स्क्वायर शेप के कुछ पैड्स हैं, इसको आपको क्या करना है, इस लैंड पे आपको डग करना है। ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस लॉन्ग जो जितना आपके जो एरिया है, इसका जो आपके लैंड है, इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। तो और इसका एरिया फाइंड आउट करने के बाद आप क्या करेंगे, जितने भी आपके ये आपके फ्लावर बेड्स हैं, इन फ्लावर्स बेड का एरिया फाइंड आउट करने के बाद, अब देखो एक का तो क्या होगा आपके 1 meter square, क्योंकि साइड वन है, और फाइव का क्या हो जाएगा 5 meter square। फिर आप क्या करेंगे, इसमें क्या है, व्हाट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ लैंड, कितना जो पार्ट है लैंड का वो रिमेनिंग रह गया है, तो आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे इस टोटल लैंड के एरिया में से जो आपके जो फ्लावर बेड्स हैं, 5 flower beds, उनके एरिया को आप माइनस कर देंगे। इस टाइप से क्या होगा, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। देखो कैसे करते हैं, क्वेश्चन इज, योर क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज 10.3। देखो कैसे करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेंथ ऑफ लैंड इक्वल टू 5 meter, ब्रिथ ऑफ लैंड इक्वल टू 4 meter। सब फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो आप क्या करेंगे, L की जगह L और B की जगह B, क्या आएगा 20 meter square। ये आपका एरिया किसका आ गया है, उस लैंड का, ठीक है, वो जो लैंड पे हमें फ्लावर बेड को डग करना है वो एरिया यहाँ पे आ चुका है। ओके, सो फर्स्ट देन आफ्टर हम क्या करेंगे, जो आपके फ्लावर बेड हैं, एरिया ऑफ 1 flower bed, फ्लावर बेड क्या है आपके, उस अब आपको पता है जो फ्लावर बेड है उसकी साइज क्या है, स्क्वायर शेप है, तो साइड इनटू साइड यही होता है। तो हमें सबसे पहले तो साइड बताओ, साइड क्या है भाई, साइड ऑफ फ्लावर बेड क्या है हमारी 1 meter, तो आप अप्लाई करो 1 into 1 = 1 meter square। तो आप देख सकते हैं कि 1 flower bed का एरिया है 1 meter square। सो फाइव लिख दो आप यहाँ पे, इफ 1 flower bed's एरिया इक्वल टू 1 meter square, ठीक है, आप ये लिख सकते हो, द एरिया ऑफ 1 flower bed इक्वल टू 1 meter square। सो फाइव यहाँ लिख दो, सो फाइव फ्लावर बेड बेड्स एरिया इक्वल टू 5 into 1 = 5 meter square, यानी जो 5 flower bed हैं उसका एरिया क्या होगा आपके 5 meter square। अब हमें क्या करना है, जो एरिया ऑफ लैंड रिमेनिंग रह गया है विदाउट फ्लावर बेड के, उसको हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। सो द एरिया ऑफ रिमेनिंग फ्लावर बेड इक्वल टू, जो टोटल एरिया ऑफ लैंड है वो क्या है आपका 20, और जो एरिया ऑफ फ्लावर बेड है वो क्या है आपके 5, तो क्या आएगा आपका आंसर 15 meter square। सो डियर स्टूडेंट, इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ओके, सो आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो डियर स्टूडेंट, इन आर क्वेश्चन नंबर 10, आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, आई एम डूइंग योर क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर बी। सो योर क्वेश्चन इज, इस टाइप से आपको क्या कर रखा है, एक फिगर दे रखा है, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फिगर नहीं है जिसका हमें एरिया पता हो,
सॉरी इसकी साइड या एरिया का फॉर्मूला हमें पता हो, इस टाइप से आपको एक फिगर दे रखा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको स्प्लिटिंग करना पड़ेगा, इसको स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी इसकी, यानी मीन्स इसके टुकड़े करने पड़ेंगे, इसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसके अलग अलग एरिया फाइंड आउट करने पड़ेंगे, इसके पार्ट करके, और उसके एरिया को हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे। देखो ये साइड हमें दे रखी है 3, अब इसमें सेंटीमीटर है, ये आपके 5 सेंटीमीटर है, ये आपके 1 सेंटीमीटर है, ये आपके 3 सेंटीमीटर है, देन ये आपके 2 सेंटीमीटर है, देन ये आपके 1 सेंटीमीटर अगेन है। ओके, तो आप देख सकते हैं कि यार ये वाली साइड अगर 3 सेंटीमीटर है तो यहाँ से लेके ये साइड भी आपके 3 सेंटीमीटर ही होगी। ओके, और जो इसकी ब्रिथ है, मोटाई है, डेप्थ है, तो ये भी आपके चारों तरफ 1-1 ही है। ठीक है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, चारों तरफ 1 ही 1 है। तो अब देखो हमें क्या करना है कि इसके हमें पार्ट करने पड़ेंगे, डिफरेंट पार्ट। ठीक है, 3 पार्ट कर देंगे तो ईजीली निकल जाए। तो आप क्या करो, यहाँ से इसको ब्रेक कर दो। ठीक है, ऐसा करो, नहीं तो हम करते हैं यहाँ से यूँ कर देते हैं, चलो यूँ ब्रेक कर देते हैं इसको। ओके, ब्रेक करते हैं, आप देखो इसको मैंने नेम दे दिया figure 1, इसको मैंने नेम दे दिया figure 2, और इसको मैंने नेम दे दिया figure 3। सो figure 1 का आप डायग्राम बनाओ, एरिया ऑफ इस टाइप, एरिया ऑफ figure 1। तो ये डायग्राम बनाया आपने figure 1 का दोबारा यहाँ पे। ठीक है, तो आप देखेंगे इसकी लेंथ तो है 5 सेंटीमीटर। अब आप देखो यहाँ पर 1 है, तो फिर ये यहाँ से भी तो 1 ही होगी ये वाली, तो आप देखोगे इसकी जो ब्रिथ है वो आपके 1 सेंटीमीटर ही होगी। ओके, तो अप्लाई करो, लेंथ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और ब्रिथ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या होगा, एरिया का फॉर्मूला हमें पता है, रेक्टेंगल है तो एल इंटू बी, अप्लाई करो 5 × 1 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो किसका आया, हमारे फर्स्ट नंबर का जो आपका एरिया है, जो हमने इसको स्प्लिट किया है, इसके ब्रेक किया है, इसको टुकड़े करे हैं, तो इसके फर्स्ट वाले का हमें एरिया मिल चुका है। अब देखो एरिया ऑफ सेकंड वाला, एरिया ऑफ figure 2, इसका डायग्राम बनाओ ये रहा। अब देखो ध्यान से, यहाँ से लेके और कम्प्लीटली यहाँ तक क्या था, 3 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ से लेके और अभी देखो यहाँ 2 था तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर बचेगी, क्योंकि 1 तो उसमें चली गई, ओनली 2 बचेगी, और ये वाली हमें गिवन है 1। तो आप क्या करेंगे, वही हमारा L क्या होगा, ये पुट कर दो 1 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर। L इक्वल टू तो क्या है आपके 2 सेंटीमीटर है, और B इक्वल टू आपके 1 सेंटीमीटर है। एरिया का फॉर्मूला लगाया आपने, L इंटू B क्या होगा आपके 2 × 1 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइन, चलो अब हम आगे बात करते हैं फिगर नंबर थ्री, एरिया लिखूँ आगे, एरिया ऑफ figure 3। figure 3 का एरिया हमें फाइंड आउट करना है, तो figure 3 दोबारा मेक करो, दोबारा क्या, figure 3 फर्स्ट टाइम मेक कर रहे हैं, सॉरी। तो 1 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर, देख लो इधर ये रहा figure 3, टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक 3 है, 1 हमने इसको दे दिया है, क्या बचा हमारे पास 2 सेंटीमीटर, और ये 1 है ही सही। सो वही हमारा क्या होगा, L इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, B इक्वल टू आपके 1 सेंटीमीटर, और एरिया का फॉर्मूला आपको पता है ही सही, एरिया इक्वल टू 1 × 2, L इंटू B होता है। ठीक है, आपने अप्लाई किया, क्या हो गया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें टोटल एरिया फाइंड आउट करना है, कैसे करोगे टोटल एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ figure 1 प्लस figure 2 प्लस figure 3, पुट कर दो 5 + 2 + 2, क्या हो गया भाई 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, हमारा क्वेश्चन का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, और इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपको ही ट्राई करना है, अगर नहीं आता है तो शेयर करो, हम आपके लिए उसकी वीडियो बना देंगे। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट, गुड बाय।